धार के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में सेक्टर 3 स्थित सिग्नेट कंपनी के प्लास्टिक पाइप गोदाम में आज सुबह अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई थी। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया। कंपनी प्रबंधन ने तत्काल इसकी सूचना दमकल और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही दमकल वाहन और CSP पीथमपुर अमित मिश्रा सहित तीनों थानों के TI पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। वहीं भयानक आग को देखते हुए पीथमपुर सहित महू, इंदौर, धार और बदनावर के दमकल वाहन भी मौके पर बुलाए गए हैं। पीथमपुर SDM शाश्वत शर्मा ने बताया कि आग लगने की सूचना के बाद से ही आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आग बेकाबू हो चुकी है। आग को रोकने के लिए लगातार दमकल वाहनों से पानी फेंका जा रहा है। वहीं गीली बालू रेत के ढेर भी बनाए गए हैं। इसके अलावा सफेद चूने नामक केमिकल पाउडर पर आग बुझाने के उपयोग में लिया जा रहा है। इसके अलावा इंदौर एयरपोर्ट से हाईजेक स्टीम वाला फायर फाइटर भी बुलाया गया है, जिससे आग बुझाने का प्रयास लगातार किया गया। अब तक की बात की जाए तो लगभग 7 घंटे बीत चुके हैं और लाखों रुपए के पाइप सहित JCB मशीन भी जलकर राख हो गई है। फिलहाल कोई भी जनहानि की बात सामने नहीं आई है। आग की लपटें इतनी तेज है कि लगभग 50 मीटर दूर तक जाना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं धुएं का गुबार लगभग 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर से दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि कंपनी के गोदाम सहित पूरे कंपनी में 4 और प्लास्टिक के पाइप और प्लास्टिक के दानों से भरे पैकेट भी जमा है, जिससे आग और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अब तक आग पर काबू पाने के तमाम प्रयास विफल नजर आ रहे हैं। देखिए, पूरा प्रयास किया जा रहा है। बहुत ही इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, प्लास्टिक पाइप्स हैं और कुछ मटेरियल जो इसमें है जिससे बनता है वो बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होता है, तो काफ़ी मात्रा में यहाँ पूरी फैक्ट्री में पाइप पड़ा हुआ है। उस आग को बुझाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी 12 JCB मशीनें, हमने दीवार भी तोड़ दी पीछे की, वहाँ से पानी डाल रहे हैं और इसी प्रकार 10-12 फायर टेंडर लगातार पानी डाल रहे हैं। हमने एयरपोर्ट से भी हाई जेट स्टीम वाला फायर टेंडर बुला लिया है पूरी टीम के साथ, वो भी पानी डाल रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं प्लास्टिक जो है बहुत तेज़ी से जलता है। बीच में फोम से प्रयास किया गया था, लोकलाइज फोम डाला गया, लेकिन उससे सफलता नहीं मिल पाई। तो अब लगातार पानी डाल रहे हैं और प्लास्टिक है तो हमारी कोशिश है कि जितने इलाके में आग लगी वहीं रहे और वो प्लास्टिक वहीं जल जाए। आसपास का इलाका जहाँ और मटेरियल रखा हुआ है वहाँ तक आग ना फैले, इसलिए हम लोग रेत और गीली बालू जो है वो लगातार डलवा रहे हैं। बीच में जगह है ताकि आग इस पार ना आ पाए। सर, क्या कारण सामने आ रहा है और जिस समय आग लगी क्या आग बुझाने के कुछ संयंत्र यहाँ मौजूद थे? नहीं? बहुत सुबह की घटना है। मुकेश सांगला जी इसके ओनर हैं और लगभग 5:30-6 के आसपास, आप जैसा बता रहे हो, हमें जो 5:45 के आसपास खबर मिली थी, तो तब से धीरे धीरे सुलग रही थी। अब प्लास्टिक फैक्ट्री है, अब इसके कारणों की जाँच होगी और इसके पूरे तथ्यों को जो है ऑन पेपर लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखा जाएगा कि आग लगने के क्या कारण थे।